हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज है छुट्टी का दिन और आज हम लोग जा रहे हैं आशी को लेकर के बहुत ही फेमस जगह जयपुर की, जो कि है एक मंदिर। थंबनेल देख के समझ आई गया वो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वहाँ से हम दर्शन करने के बाद एक जगह और जाने वाले हैं जो आशी पहली बार एक्सपीरियंस करेगी, और आशी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि अभी तक तो इसने सिर्फ पोएम्स में और टीवी में वो चीज़ देखी है, आज वो रियल में देखने जा रही है। चलिए मिलते हैं आपसे हम लोकेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो अभी दिखाता हूँ मैं, आशी तैयार हो रही है। ये देखिए गाइस, ये आशी तैयार हो रही है। या एस्किमो बन चुकी है आशी, लेकिन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसको कोई टोपा पहना है। ये देखो जैकेट भी उतारने की फिराक में है, ये चैन टूट जाएगी आशी। हेलो हेलो करो, हेलो, या गुड गुड मॉर्निंग बोल दो। कुछ कुछ बोल दे कुछ। अजी अभी अभी उठी है और तैयार हो गई है, नहलाया हमने है नहीं क्योंकि सर्दी पड़ रही है, सुबह सुबह नहलाना ठीक नहीं है। अभी बज रही है सुबह की 8:30, तो अभी हम निकलते हैं और आपसे मिलेंगे लोकेशन पे। तो गैस, जैसा कि मैंने आपको घर पे बताया था कि हम आपको वहाँ पहुँच कर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम आ चुके हैं जयपुर के बहुत ही फेमस मंदिर खोले हनुमान जी के। यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है हनुमान जी का। मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारे हैं, और जब आप मानसून में यहाँ आएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है और कितनी हरियाली हो रखी है यहाँ पर। पहाड़ियों की तरफ देखे तो थोड़ी हरियाली कम दिखेगी आपको, लेकिन मानसून में पूरा ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पर। और अभी मंदिर में हम आपको ले चलते हैं, पहले गाड़ी पार्क करेंगे फिर चलेंगे मंदिर में। आशी की फर्स्ट विजिट है ये खोले हनुमान जी की, मैं तो आता ही रहता हूँ। तो गाइस, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए दोनों। पार्किंग अभी फ़िलहाल तो खाली है, हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ ना हो आज इसलिए, या फिर लोग मंदिर की तरफ ही अपनी गाड़ी ले। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अंदर, मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है मंदिर। हाँ रहने दे, जैकेट मत खोले, पूरा मंदिर है और ये चारों तरफ सुहामणी के लिए रसोईयां बनी हुई है। चलो लेके चलो। जय हो बालाजी। अच्छा चढ़ा दिया जी, हाँ जी हाँ जी, हाथ जोड़ो। आशी आशी जय कर दो, जय करके बताओ। गायत्री माता का मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। आ जा, जय शिव शंकर। तो दर्शन कर लिया अब हमने, और अब हम जा रहे हैं नई जगह पे, दूसरी जगह। सरप्राइज है आशिक के लिए, कुछ सरप्राइज है वो उसको देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खोले हनुमान जी जाना मुझे भारी पड़ गया है। ये देखिए उसने ले लिया बड़ा वाला गुट्टा, पहले से बस छोटा सा था उससे पिटाई कर दी थी, बड़े से कर। भाई साहब देख देख क्या होने वाला है। ये है जयपुर की कड़ी कचौड़ी, आप जयपुर में कहीं भी खा लीजिए ऐसी मिलेगी। छाछ वाली कड़ी मिलती है यहाँ पे, अजमेर की एक्सपेक्टेशन में आपको 5% भी नहीं मिलेगी। अजमेर की कड़ी कचौड़ी तो अजमेर की है, ये सब जानते हैं। चलो आशी खा लो। बता हाँ मोड़ आने वाला है। तो गाइज अब हम जहाँ जा रहे हैं उसका कट आने वाला है, तो अब हम बताते हैं आपको हम कहाँ जाने वाले हैं। जहाँ से ही मुड़ेंगे वैसे ही आपको बताएंगे। ये वो रास्ता है जो जा रहा है पहाड़ियों के बीच में। गूगल मैप्स ने भी बता दिया कि कहाँ मुड़ना है आपको। तो हम जा रहे हैं आज आशी को लेकर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, वहाँ पर है जू। तो आशी आज सभी एनिमल्स को लाइव देखने वाली है।
एक और हाथी हो देख बोरा आशी हाथी सुबह से तीसरा हाथी देख रही तू आज तक कभी नहीं देखा और देखे तो आज एक ही दिन में इतने सारे देख लिए हाथी ये आ गया नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क पहाड़ी रास्ता है थोड़ा सा थोड़ा आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगा और पानी फैल रहा है यार जा बस भी है और ई रिक्शा भी है तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर ई रिक्शा में गाड़ी पार्क कर दी हमने बाहर फर्स्ट गेट पे पार्किंग में और अब जा रहे हैं अंदर की तरफ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले गेट पे आप गाड़ी पार्क कर भी सकते हैं और अंदर भी ले जा सकते हैं लेकिन अंदर ले जाने का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 300 रुपया ई रिक्शा से आप जाएंगे तो आना जाना 60 रुपये है साठ जाना साठ नहीं 120 रुपये और बाहर गाड़ी पार कर दो टिकट लगता है आपका 52 रुपये पर हेड है और कैमरे का अलग से 200 रुपये लगता है सबसे अंदर दूसरे गेट पे वहाँ देखते हैं क्या ना जाने हैं गेट पर वहाँ फैसिलिटी है वर्षी कहाँ जा रहा है लू देखिए ये रिक्शा में जा रहे हैं जंगलों के बीच बसा हुआ है ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क रास्ते में आता है ये मंदिर भोमिया जी का यहाँ से 2 गेट आते हैं ये देखिए ये दूसरा गेट आ चुका है यहाँ तक भी आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर भी है लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है हमने सोचा वो चार्ज देने से बढ़िया ई रिक्शा का ही मजा लिया जाए आ चुका है जूलॉजिकल पार्क चलिए अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और हम आ चुके हैं अंदर और हमको ऐसा लगता है हम एकमात्र प्राणी हैं जो भी यहाँ पर आए हैं वैसे गाड़ियाँ तो खड़ी थी 3-4 और आशी आशी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे 2 रास्ते हैं एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं जिस रास्ते को आप चूज करेंगे तो दूसरे से आपको एग्जिट होना पड़ेगा जो चाहे आप रास्ता चूज कर सकते हैं तो हम जा रहे हैं यूं इधर से यहाँ से हम बाहर आएंगे इधर से हम जाएंगे क्योंकि हमारी आशी इधर ही जा रही है गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर देखने एनिमल्स को आशी का क्या रिएक्शन रहता है पहली बार वो एनिमल्स को देखेगी लाइव ये देखते हैं आशी कैसे रिएक्ट करती है चलो लाओ इधर वाला दो पहले धीरे बैग टांग लिया है हमने चलो यू 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 देखते हैं सबसे पहले कौन सा जानवर हमें देखने को मिलता है आशी डूज एंड डोंट स्मॉल कैटवॉक ये देखिए वो इन्होंने खुद बैठा रखा है या असली है सच में है ये यार कैसा लग रहा है ये ना आशी देख कितना सुंदर बर्ड है देखो वाओ वेरी ब्यूटीफुल ये यहां से शुरू हो गया स्मॉल कैटवॉक थोड़ा सा इन्होंने इस तरीके का बनाया ये पार्किंग एरिया है इधर तो जैसे कुछ दिखेगा ना आशी तू भाग तो रही है अभी कोई जानवर देखेगी ना तो मुझे ऐसा लगता है तू डरेगी क्या लगता है तुझे डरेगी कि नहीं डरेगी डरूंगा तो हूँ पापा मैं देखते हैं अभी वहाँ पे कुछ है आशी देखते हैं इधर क्या है
देख आशी देख, देख भेड़िया ये तो डॉगी समझेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से जानवर है। ये सियार था अभी जो हमने देखा, अब आगे दूसरे जानवर और आने वाले हैं बहुत सारे। अभी तो हमने शुरू किया है जस्ट। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा जू बनाया हुआ है। ओ आशी बाघ आ गया, टाइगर, टाइगर, ओ टाइगर आ गया, टाइगर दिख जाना भाई, कहीं अंदर मत बैठ रहना। टाइगर भाई कहाँ दिखेगा, सो रहा दिखे भाई, मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रहा। पूरा देख पूरा ऊपर आराम कर रहा भाई साहब, धूप सेक रहा सर्दियों में। अरे यार तेरे को तो देखना है, उठ जा। जाओ जाओ सब, हम दानों के तो पीछे पड़े रहते ना उठाने के, जाओ आज उसे उठा के दिखाओ, जाओ। अलाउड नहीं जाना, आज उठा लिया। और ये चल रही है बाघ को कैप्चर करने की तैयारी, क्योंकि वो सो रहा है और इनको आदत है सोते वक्त पे छिड़कानी करने की। इंसानों को ही नहीं, ये इंसान जानवरों को भी नहीं बख्श रहा सोते हुए। मतलब मैं और आशी तो परेशान है कि हमें सोने नहीं देते। आज आज टाइगर का भी नंबर आ गया है। बाघ तो हमें देखने को नहीं मिला, मतलब देख तो लिया लेकिन सो रहा भाई साहब, सर्दियाँ आए तो धूप सेक रहा आराम से। इसको पता नहीं हम पैसे दे के इसी को देखने आए हैं। आशी अरे यार बता, टाइगर ही सो रहा है यार बता। तो गाइस हम एक बार और बाघ को देखने आए हैं कि अब वो उठ गया हो तो दिख जावे, क्योंकि थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। अरे उठ जा यार एक बार, आशे आशे आई, आशे उठ गया देख, आशे आ जा, सो रहा है भाई, आ जा बुला उसको, आओ। ऐसे इतने धीरे बोला तूने, सो गया वो तो वापस। अब आया है गाइस पैंथर, देखते हैं ये दिखता है या नहीं दिखता है, या ये भी आराम कर रहा है। यहाँ तक आ, यहाँ तक, यहाँ तक आके दिखा हमको शक्ल तेरी। हम ये नहीं कह रहे तू बाहर आ, ये रहे ये रहे ये चल रहा, ये रहे ये रहे आगे बैठे तीन चार, हाँ ये रहे ये रहे। आशा देख, ओ वाव माँ, देख लड़ाई कर रहे, देख वो मम्मा है और ये दोनों भाई बहन है ना आशी, देखो बेटा मम्मा बैठी है, भाई बहन लड़ रहे हैं। तो आशी कैसा लग रहा है आपको पैंथर देख के, कहाँ है पैंथर, ये देखिए आशी का रिएक्शन, वो देख दिख रहा, वो दिख रहा उसकी पूछ देखो पीछे वाले की, हाँ बड़ी है, कैसा कर रहा है यार, इतने सुंदर लग रहे ना। देख ये रहा, एक कहाँ गया, तीन थे ना, कैसे उदास बैठा है, क्या हो गया भाई उदास क्यों बैठा है ऐसे। गार्डन भी बना रखा है पूरा बढ़िया, आराम से बैठने की व्यवस्था है, आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट जानवर कौन सा है, गैस कराशी कौन सा होगा। मुझे तो लगता है कि भालू होगा, लेकिन क्योंकि अभी टाइगर वाली श्रेणी चल रही है शेर वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि भालू होगा। हाँ ये है वो, ये अरे रहा व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर, ये रहा ना देखो अरे कितना मोटा है तू, है ना, हाँ वो बैठा अच्छा, देख कितना बड़ा यार। ये गाइस ये पूरा एरिया व्हाइट टाइगर के लिए, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये घोंसला देख के खुश हो रहे हैं और कुछ नहीं। तो वो जो आया था आवाज दे ले उसको, आओ आ जाओ, आओ आ जाओ, जोर से लगा, अरे भाई उड़ जाते को इतनी दूर से दोबारा देखना है, उड़ गया देख, वो देख 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 रहा,
कम यार, क्या लुक दिया आशी इसने, जाग जाग प्यारी, मजा ही आ गया। उठने का क्या है आशी, है व्हाइट टाइगर, टाइगर आ जाओ, चिल्ला के भी दिखा दे अब एक बारी। ओके बाय टाइगर, सो जाओ अब आप। थैंक यू फोटो कर खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए। आपका यूट्यूब पे आएगा आपका ये वीडियो, तो आप देख लेना जाके, और आशीष डायरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर देना। लुक मत दो। ओके बाय गाइस, आप जिस भी सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताइएगा आपके वहाँ भी कोई ज़ू है क्या और कैसा है वो, तो अगर अच्छा हुआ तो हम वहाँ विजिट करने ज़रूर आएंगे आशी को दिखाने के लिए। बारह सिंह होते हैं इसके, ये बैठे हैं आराम से। यहाँ पे सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए आप लिखा है हेमकंद, और भी बहुत तरह की प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। और अब इधर देखते हैं कि क्या है। इस फेंटा गट की जा रही है, फेंटा गटक रहे हैं, आशी को ऐसे बोलते हैं कि ये दवाई है। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक हमने देख लिया है पैंथर, देख लिया है और भेड़िया, देख लिया है जरक, देख लिया है और टाइगर, देख लिया है वाइट टाइगर, देख लिया है। इन आशी को ज़्यादा खुश हुई नहीं, एक्साइटेड हुई नहीं। मुझे तो ऐसे लगा था कि बहुत एक्साइटेड होगी, लेकिन ये हुई नहीं अभी तक तो इतनी एक्साइटेड। पता नहीं क्यों इसको जोर आ रहा है एक्साइटेड होने में। यहाँ कुछ है पापा। अब ये आया है एक और, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये वही है बारह सिंगा, यही बेचते हैं बेचारे बाहर मिले, लेकिन इनको कोई देखता नहीं है। इसको क्या जानवर देख के खुशी नहीं हो रही है, इसको पता है क्यों खुशी होती है। अभी वो जानवर वो पोएम पे नाचने लग जाए ना, कालू मदारी आया या एक मोटा हाथी, तो ये खुश हो जाएगी। अभी इसको नाचते हुए जानवर अच्छा लगता है, क्योंकि वही देखे हैं इसने पोएम वगैरह में, यूट्यूब पर दिन भर यही चलता रहता है। तो प्लेन जा रहा। फोटो फोटो तो मैं कभी खिंचाता ही नहीं मम्मा, क्या बोल दिया आपने, फोटो नो फोटो नो फोटो, आगे चल, ओनली वॉकिंग। अभी कहाँ से एग्जिट गेट आ जाएगा, अभी तो भालू मगरमच्छ कितने आएंगे। ठीक है मौसम घूमने लायक आशी है ना, इसको कोई मतलब ही नहीं है कोई भी जानवर से, ये अपने में ही मस्त है। चल वो देख गिलहरी से ही डर रही है अब, इसका भगवान मालिक है, कब किससे डर जाए कब किससे नहीं डर जाए। मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है गाइस, बहुत ही बढ़िया मौसम है घूमने लायक। गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, सर्दी भी बिल्कुल नहीं लग रही है, मतलब ऐसा मौसम है कि आप आराम से आके घूम सकते हैं। ये देखिए ये कितनी पास में है, ये री जंगली कैट। हेलो हेलो प्लीज, वाह गिरी, तो तेरे पास थोड़ी आ रही है, एमओ आ गया, देख एमओ एमू एमू देखिए ना, इसको दिखाओ ना यार, गोदी लो, कैसे कर रहा आशी का रिएक्शन देखते। कुछ नहीं देखना है इसको, तो कुछ देख कैसे कर रहा है। एक और इससे भी बड़ा हो रहा है, वो देखिए रहा, और ये आया, आ हा रखड़ा करो, ले कोई रखड़ा करके देख इस पे, देखिए रहा, आहा। हेलो हेलो, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका। मत देख कोई मतलब नहीं इसको, एक जानवर नहीं देख रही है, ऐसा लग रहा है कि हम आए देख रहे हैं और ये हमको लेकर आई है साथ में। अरे यार आशी, मुझे तो ऐसा लगा था तू बहुत खुश होगी देख के, एक्साइटेड हो जाएगी। ये देखिए आराम फरमा रहे हैं, करने के नहीं आराम फरमा रहे हैं। मैं ऐसे बात मत कर, मत कर, देखो मार ले गोदी।
दिखाते हैं अब आपको मगरमच्छ जो कि है वो रे आराम से लेटे हैं। देखिए वो देखो रे ये छोटा सा है वो देखो हिला और ये देखिए चल के जा रहा है एक यही नहीं आ रहा है कितनी दूर है हर बात पे डर लगता है थोड़ा आगे होके सो गया है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सीख लो एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि कैसे लेटते हैं। और अब आने वाला है भालू आशी का फेवरेट कालू का भालू नाचा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये नाचेगा तो ही इसको पसंद आएगा नहीं तो नहीं आएगा। अब वो बाहर मिल जाए भालू बस लगता तो नहीं बाहर मिलेगा। देख कैसे कर रहा है वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये तो अच्छा नहीं लग रहा गंदा सा लग रहा है। लेस खुल गई रुक जा गिर जाएगी रुक जा अरे गिर जाएगी वैसे एक पजामा ऊपर करके चलते तो बैम्बू आ जा। ये देखिए ये गिलहरी आशी के पीछे पड़ चुकी है और ये आशी की तरफ जा रही है। अरे बच्चे 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 क्या हुआ भगा दी गई बस आ जा जाओ जाओ अपना अपना उठाओ निकल। ये देखिए गाइस ये गिलहरी आ चुकी है आशी कुछ खाने बैठी थी तो उसका पीछा करते करते बोली हमको भी खिलाओ। तो गाइस अब हमने ज़ू को पूरा विज़िट कर लिया है पूरा ज़ू देख लिया है बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के सबसे अच्छा तो था यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है ये बहुत अच्छी लोकेशन चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं जंगल है और बीच में ये बना हुआ ज़ू बहुत सारे जानवर हमने देखे। लेकिन हमने जो सोचा था कि आज सभी जानवर देख के बहुत एक्साइटेड होगी तो वो इतना तो हो ही नहीं तो कोई बात नहीं अब जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी थोड़ी और चीज़ों को समझेगी तब हम इसको दोबारा लेके आएंगे या किसी और ज़ू में लेके जाएंगे। हाँ बोल दिया आशी। हाँ इसको तो गुस्सा ही बहुत तेज है एक तो अब निकलते हैं जू से और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो आप भी आइए जयपुर जब भी आएँ जयपुर के ही हैं तो नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क बायोलॉजिकल पार्क ज़रूर देखें आके बहुत ही अच्छी जगह पर ये बना हुआ है। टिकट जैसा कि मैंने आपको बताया था 52 रुपीज़ है पर हेड और अपनी गाड़ी आप यहाँ अंदर तक भी ला सकते हैं उसके चार्जेस अलग हैं कैमरे के चार्जेस अलग हैं और यहाँ ई रिक्शा भी चलते हैं उसके चार्जेस अलग हैं जैसा भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। तो आशिक अब आप नेक्स्ट कहाँ जाओगे इसके बाद चलिए अब आपसे मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। अभी तो हम जा रहे हैं घर फ्री हो चुके हैं यहाँ से सीधा घर जाएंगे मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड बाय। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें आशिक को बहुत सारा प्यार दें आशी का बर्थडे भी आने वाला है तो बर्थडे का बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है आशी का तो देखते हैं उसमें हम क्या प्लानिंग करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में बाय बाय कर दो आशी तो बाय करो देख के करो ना इधर इधर उधर बाय आशी बाय इधर कैमरे में बाय।